देखो सेफ टूल हम लोग पढ़ रहे थे। सेफ टूल में हम लोग कई सारे कस्टम सेफ के बारे में पढ़े थे कि कस्टम सेफ कैसे आएगा फोटोशॉप में, कि आप फोटोशॉप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जब जाएंगे तो ये तो रिक्टैंगल राउंडेड रिक्टैंगल एलिप्स बेसिक टूल दिया, लेकिन कस्टम सेफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारा सेफ आपको मिल जाएगा। अगर ये पूरा सेफ नहीं आ रहा है तो इस प्ले बटन पे क्लिक कीजिएगा और चले जाइएगा यहाँ आल पे क्लिक कर दीजिएगा। आल पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे सारा सेप आ जाएगा। अब जो सेप आपको इसको ड्रैग करना, जैसे मान लो कि हम यही सेप ले लिए, ठीक कोई आप सेप ले लो, चलो मान लो हम पैरट ले लिए और पैरट को क्या कर दिए ड्रैग कर, बाकी कंट्रोल टी से होता है ट्रांसफॉर्म और यहां से आपको बड़ा छोटा करना है बड़ा छोटा कर लो। कलर फिल करना है तो क्या करेंगे पेन टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कलर को कर लीजिए फिल, जो आपको कलर फिल करना है आप यहाँ से कर लीजिए फिल। इसमें किसी पिक्चर को से फिट करना है तो कल बताए थे डबल क्लिक करके आप पिक्चर को क्या कर लेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद सिंपल इसे मूव टूल से मूव करा लीजिए। मूव कराने के बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसे आप छोटा कर दीजिए। और छोटा करने के बाद आप इस सीट पे रख लेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे अल्ट कंट्रोल जी करोगे उस शेप में जाके ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल टी कर लो ट्रांसफॉर्म और इसे आप एडजस्ट कर लो। देखो सर इंसर्ट करने के बाद आर स्टार्ट करने पे हो जाता है कई बार ऐसी समस्या। देखिए अब कंट्रोल से होता है डिस्टॉर्ट, आप किसी भी एंगल को पर्टिकुलर मूव करा सकते हो ऐसे। कंट्रोल टी से आप डिस्टॉर्ट कर दो और यहां से आप फिट कर लो अपने हिसाब से। देखो बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में क्या हो गया फिट हो गया। और बाकी बैकग्राउंड चेंज करना है तो इस बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। देखो यही बताया है कंट्रोल यंग करना है, एक नया पेज ले लीजिए कंट्रोल जीरो फिट टू स्क्रीन और चले जाना है यहाँ कस्टम शेप पे। कई सारा यहाँ शेप लिया, जिस शेप में आपको फिट करना है उस शेप को आप यहाँ से ड्रैग कर, और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल टी, पता है कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है। बाकी कलर वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, जाओगे यहीं पेन टूल और पेन टूल पे क्लिक करोगे तो यहीं से आप कलर का चयन कर सकते हो और ओके कर दो कंट्रोल टी और यहां से आप एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद जिस फोटो को इसमें फिट करना है डबल क्लिक करके फोटो को क्या कर लो ओपन और सिंपल इसे मूव टूल से मूव कर। मूव कराने के बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसे रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के बाद आप ओके कर दीजिए यहाँ टिक कीजिए और अल्ट कंट्रोल जी करेंगे क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टाइम मैच कर दीजिए सर, ठीक ठीक। अब देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद कंट्रोल से होता है डिस्टॉर्ट, ऐसे कराएंगे तो देखिए प्रॉपर नहीं होगा उतना अच्छे से। तो आप यहाँ कंट्रोल और जिस नोड पॉइंट को आपको ऊपर करना है ऊपर कर लीजिए, जिस नोड पॉइंट को नीचे करना है नीचे कर लीजिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फोटो बिल्कुल उसी में क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा। बाकी बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और चले जाइएगा ग्रेडियंट, जो आपको ग्रेडियंट कलर लेना है बस ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद फिल्टर आप जाके यहाँ कई सारा इफेक्ट अप्लाई कर लीजिए, डिस्टॉर्ट ट्विब और यहाँ आप घुमा दीजिएगा इसको, ओके कर दीजिए।
और जो जो आपको इफेक्ट देना है आप दे लीजिएगा, रेंडर, लेंस फ्लेयर, और जहां पे लेंस लगाना है क्लिक करके ओके कर दो। कंट्रोल यू से आप बैकग्राउंड का एडजस्टमेंट कर दो, आप अपने हिसाब से सेट कर दो। क्या हुआ, टाइल्स लगा दें, चले जाइए फिल्टर, और इसके इसमें मिल जाएगा आपको टेक्सचर और मोजाइक टाइल, और यहाँ कई सारा टाइल्स इफेक्ट देगा, पैच वर्क वाला, ये वाला, ये वाला, जो आपको टाइल्स लगा आप वो वाला टाइल्स ले लीजिए, और टाइल्स का साइज अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कीजिए, टाइल्स इफेक्ट जनरेट हो जाए। तो ये समझ में आया क्या हुआ? हाँ, फोटो को एडजस्ट में क्या करना है, क्या करना है, फोटो पे लाइट लेयर पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल यम, कंट्रोल यम से होता है कर्व, आप यहाँ पे फोटो पे लाइट दे सकते हैं, जितना आपको देना अपने हिसाब से आप दे सकते हैं लाइट। ठीक, तो ये बना लेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें और भी कई तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल यन किया और यहाँ नया पेज ले लिया, कंट्रोल जीरो करेंगे फिट टू स्क्रीन, केवल शेप का बस इस्तेमाल कर लेना है। चलिए मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लिया इतना, और कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब देखिए इसमें होगा क्या, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए रोटेशन का सिंबल बन जाएगा, आप जितने एंगल पे इस शेप को रोटेट करना है आप रोटेट कर लेते हैं, बाकी मूव कराना है सेंटर वगैरह में रखना है तो आप रख लीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक करेंगे शेप ऐसे फिट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप अपने हिसाब से इसे मूव भी करा के रख सकते हैं कहां पे रखना, और जिस फोटो को इसमें फिट करना है उस फोटो को कर लीजिए यहाँ ओपन। चलिए मैं इसे को फिट कर दिया और यहाँ मूव करा दिया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। देखिए इस शेप पे मुझे इस शेप को क्या करना है, फिट करना, तो ऐसे नॉर्मल आप फिट करने की कोशिश करेंगे तो फिट नहीं होगा, तो आप सिंपल क्या कीजिए, नोट पे रखिए और कंट्रोल बटन दबा लीजिए, कंट्रोल से पता होता, पता है डिस्टॉर्ट होता, एक कॉर्नर को यहां मिला दीजिए और दूसरे कॉर्नर को यहां मिला दीजिए, कंट्रोल के साथ करेंगे तभी ये होगा डिस्टॉर्ट, और इस नोट पॉइंट को आप कंट्रोल बटन दबाइए और कॉर्नर पे लेके जाएंगे कर्सर तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और इसको आप यहाँ, अब देखिए इतना करने के बाद करना क्या है आपको, सिंपल एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से सही से। और इतना करने के बाद ओके कीजिए। अब देखिए ये लेयर है और ये शेप है, अगर मैं इसे अल्ट के साथ अप एरो करूं तो देखिए ये लेयर ऊपर की तरफ डुप्लीकेट होगा, 3D में शेप का बना रहा हूं, देखिए अल्ट के साथ ऊपर की तरफ करूंगा तो उसका 3D जनरेट हो रहा है, देखिए उसी लेयर का कई सारा डुप्लीकेट बन जाएगा, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये नीचे की तरफ 3D होगा, राइट करेंगे तो राइट की तरफ होगा। अब देखिए इतना करने के बाद सारा शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब सबको क्या कर देंगे, मर्ज, तो मर्ज करना है तो या तो आप सबको ऐसे शेप के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, या शेप के साथ सेलेक्ट करने के बाद एक एक को आप मर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल ई बटन दबाते रहिए,
मर्ज होता रहे। देखिए मर्ज इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी देखिए मूव कराएंगे तो ये अलग हो जाएगा उससे। तो आप यहाँ कहाँ से कहाँ एक साथ कर सकते हैं, पूरे लेयर को सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो। वही तो बताएं, शिफ्ट के साथ करो और शिफ्ट को भी देखो आपस में मर्ज कर दो। इसमें मैंने कंट्रोल जेड किया और ये शिफ्ट है, शिफ्ट और लेयर दोनों को आप मर्ज कर देंगे। इससे ये होगा कि शिफ्ट के साथ क्या होगा, हाँ दोनों एक साथ इसमें मूवमेंट हो। देखिए तो अगर सेप को नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं पे डायरेक्ट इसको अल्ट कंट्रोल जी भी कर देंगे तो भी ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। देखिए इस सेप में ही सेप से बाहर नहीं जाएगा अगर इसे आप क्लिपिंग मास्क करेंगे तो। अब देखिए इसका डिस्टॉर्ट चेंज करना है, क्लिपिंग मास्क हटाना है, तो फिर मैंने अल्ट कंट्रोल जेड कर दिया। अब देखिए इतना करने के बाद बैकग्राउंड फिर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड आप फिर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और चले जाइए ग्रेडियंट। कई सारा इफेक्ट दिया है इसने, आप एक एक इफेक्ट बस अप्लाई कर लीजिए बैकग्राउंड और यहां से ग्रेडियंट कलर ड्रैग कर दीजिए जो आपको कलर दे। बाकी फिल्टर में से आप एक एक इफेक्ट खुद से ट्राई कर लेंगे, जो जो आपको इफेक्ट देना है, वेब का देना है, जिगजैग का देना है, कई सारा इफेक्ट दिया है जो आपको देना है यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। जिगजैग इफेक्ट, ट्विरल इफेक्ट यहां से आप दे लीजिएगा। और यहाँ लेंस वगैरह आप लगा लीजिएगा, रेंडर। और यहां से आप जाएंगे क्लाउड इफेक्ट देना है तो क्लाउड इफेक्ट दे सकते हैं। बाकी कंट्रोल यू से आप मेंटेन कर सकते हैं क्लाउड का कलर वगैरह ये सारी चीजें अपने हिसाब से। फोटोशॉप है, मैं पहले भी बताया हूं कि जितना आप चलाएंगे उतना अच्छे से। तो ये 3D इफेक्ट फोटो का कैसे बना है समझ में आया है, देख लीजिए एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है, मैं इसको कर दे रहा हूं क्लोज। शेप में एक ऐसे क्लिपिंग मास्क करना है ये तो समझ में आ ही गया होगा। कई सारा शेप है उसमें जिसमें आप फिट करना चाहते हैं उसमें फिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल यन करेंगे, न्यू पेज ले लीजिए। न्यू पेज लेने के बाद कंट्रोल जीरो से होता है फिट टू स्क्रीन, और इतना करने के बाद आप जाएंगे यहाँ शेप, एक रेक्टेंगल का शेप ले लेना। चलिए मैंने एक रेक्टेंगल का शेप ड्रैग कर दिया, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा करना है ड्रैग कर लीजिए। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और कर्सर को बाहर लेके जाएंगे तो देखिए रोटेशन का सिंबल बन जाएगा, और इसको आप शेप को कर लीजिए रोटेट कितना एंगल पे। चलिए मैंने इसको 42 एंगल पे रोटेट कर दिया और इसको आप सेंटर में रख, रखने के बाद टिक कर दीजिए और जिस फोटो को फिट करना है आप बस मूव करा के इस पे ला लीजिए। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, देखिए फोटो को हमने ला लिया, एक कॉर्नर पे रख दीजिए और बाकी यहाँ कंट्रोल बटन दबा के कॉर्नर टू कॉर्नर क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। देखो ये हमने सेट कर दिया, आप अपने हिसाब से सेट कर। सेट करने के बाद यहाँ ओके कर, ओके करने के बाद देखिए अल्ट कॉपी, पता है अल्ट क्या करता है, सोर्स को कॉपी करता है। अल्ट डाउन एरो करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा, देखिए ऐसे, और अल्ट अप एरो करेंगे ऊपर की तरफ, देखिए
मैं इसको अल्ट कंट्रोल जेड करके ऊपर की तरफ कर दिया और अल्ट अप एरो। अब देखिए इतना जनरेट होने के बाद क्या करना है, सबको मर्ज, कंट्रोल ई बटन दबाते रहिए, आप सबको कर लीजिए मर्ज। और मर्ज करने के बाद बाकी इसका बॉर्डर वगैरह चेंज करना है तो आप जाएंगे यहीं पे मिल जाएगा ब्लेंडिंग। पहले उतना ही देख लीजिए जितना बनाए थे, इतना बनाने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और चले जाइए यहाँ पे आप ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट कलर लेना है आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर ड्रैग कर। ये बैकग्राउंड पे इफेक्ट हो रहा है, लेयर पे नहीं हो रहा, ठीक। और जो जो इसमें इफेक्ट आपको देना है, अगर कलर लगाना है तो चले जाओ क्लाउड कंट्रोल एफ, क्लाउड का इफेक्ट लग जाएगा, कंट्रोल यू से आप इसका क्लाउड का कलर चेंज कर लोगे, जो आपको क्लाउड का कलर देना अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद जाएंगे आप सिंपल, देखो लेयर, और लेयर पे जाने के बाद यहाँ एफएक्स फंक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करो और ब्लेंडिंग ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्ट्रोक बढ़ाना है तो स्ट्रोक बढ़ा सकते हो, क्लिक करो और देखो स्ट्रोक कलर लग जाएगा कलर ये, और यहाँ से ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, इसका फिल ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू दिखाई दे रहा है, ब्लेंड इफ रेड करना है रेड, आप यहाँ से सैचुरेशन को मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारा इफेक्ट दिया है, आप देखिए कि यहाँ से चेक कर दो, मैं ग्रे ही रखता हूँ। फिर यहाँ से मैं बताया हूँ ना कि ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेयर की ओपेसिटी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉप शैडो वगैरह कई सारी चीजें देगा, शैडो लगाना है तो शैडो लगा लो, ब्लेंड का मोड चेंज करना है तो आप मोड चेंज कर लो, कई सारा इफेक्ट, ठीक। तो मैं अभी नॉर्मल ही रखता हूँ, एक एक बस आपको चेक कर लेना, इनर ग्लो आउटर ग्लो ये सब जो जो आपको इफेक्ट देना है आप दे सकते हो, आपकी मर्जी, कई सारा दिया है इसमें, एक एक आप खुद से चेक कर लो। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप दे सकते हो, पैटर्न ओवरले कई सारी चीजें, ओके कर दो। अब देखो चाहते हो बैकग्राउंड में फोटो लगा दें तो पैटर्न बनाना सिखाए थे, पैटर्न कब आएगा जब यहाँ क्लिक करोगे, और कई सारा पैटर्न, जो पैटर्न आपको लेना है क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से ड्रैग कर दो, ये पैटर्न भी इसमें अप्लाई हो सकता, कई सारा इफेक्ट है, बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये देखो फोटो हो गया, चलते सब पढ़ चुके हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल कर लेना। तो ये समझ में आया बना कैसे है, दूसरा पैटर्न लगाना है तो यहाँ से पैटर्न को चेंज कर लो, बस कई सारा पैटर्न लग जाएगा, घुमा दो इसको, बस यहाँ से एक एक पैटर्न आपको चेंज। और ये पैटर्न कैसे बनाया जाता है बताया गया था, याद है, फोटो को आप ओपन कर लोगे जिस फोटो का पैटर्न बनाना होगा और चले जाओगे यहीं एडिट, और यहाँ डिफाइन पैटर्न, पैटर्न का कुछ भी नाम दे दो, ओके कर दो, क्लोज कर दो। अब जाओगे यहाँ तो ये पैटर्न इसमें आ जाएगा और इसे आप ड्रैग कर दोगे, वही पैटर्न इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बताया जा चुका, मल्टीपल सोर्स नहीं, एक बार में एक ही सोर्स को, कौन सा वर्जन था वर्जन, ये तो नहीं बताया, तो वर्जन एक बार देख लेना, वो फैसिलिटी PS3 में है ना, ही इसमें है और ना ही CS3, विंडो का टैब खोल दिया।
कौन वाला नंबर अच्छा ये अच्छा ये चार सोर्स अच्छा चलो उसको बता देंगे कपड़ा इतना बना लेंगे स्टेप लिखवाना पड़ेगा कि हो जाएगा हाँ और एडवांस लेवल भी बता रहे हैं एनिमेशन देख लो ये बन जाएगा देखिए अब बाकी आप इसमें जानते हैं फाइल सेव कर लीजिएगा और देखो सेव करने के बाद यहाँ सेव एज फोटोशॉप में अगर सेव कर देंगे तो बाद में आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं ठीक अब मान लो जेपीजी में करना है तो सेव एज और पीएसटी की बजाय ले लो जेपीजी लोकेशन देके इसे सेव कर लो अब देखो एनिमेशन मैं पहले बताया हूं कई तरीके का उसमें इफेक्ट है जैसे सिंपल मान लो एक एनिमेशन मैं बना रहा हूं ये फोटो है मैंने कंट्रोल शिफ्ट यन कर दिया एक लेयर बन गया ठीक अब लेयर बनाने के बाद करना क्या है तो देखो मैंने अगर इस पे अल्ट डिलीट कर दिया ये इफेक्ट अप्लाई हो गया जाओगे आप फिल्टर फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखो नॉइस एड नॉइस यहाँ यूनिफॉर्म और मोनोक्रोमैटिक को ऑन रखना अमाउंट 150 भी ओके कर फिर जाओगे फिल्टर यहाँ पे मिल जाएगा देखो आपको ब्लर और यहाँ पे मैंने कर दिया गॉसियन ब्लर 0.5 ही रखो ओके पे क्लिक कर फिर यहाँ जाओगे फिल्टर और फिल्टर में चले जाओगे यहीं मिल जाएगा अगला ऑप्शन इसमें देखो ब्लर करने के बाद अब ग्रेन्स को छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म मैं इसे जूम कर दे रहा हूं और इस ग्रेन्स को मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया ठीक ओके कर फिर यहाँ जाओगे फिल्टर ब्लर और इस बार मैंने कर दिया मोशन मोशन ब्लर एंगल 60 और 50 और यहाँ ओके पे क्लिक ओके पे क्लिक कर दिए अब देखो ये ग्रेन्स का मोशन ब्लर हो गया अब जाओगे यहाँ नॉर्मल नॉर्मल की जगह मान लो हम करेंगे स्क्रीन जैसे स्क्रीन करोगे देखो ये रेनी इफेक्ट लग रहा है अब इसका एनिमेशन बना दो विंडो और चले जाओगे एनिमेशन एनिमेशन पैनल खुल गया इसी का डुप्लीकेट कर दो डुप्लीकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा और बस यहाँ क्या कर दो इसको हल्का ड्रैग कर दो फिर यहाँ डुप्लीकेट और इसको हल्का ड्रैग डुप्लीकेट और ड्रैग ऐसे डुप्लीकेट करके थोड़ा थोड़ा बस ड्रैग कर दो आगे पीछे अपने हिसाब से ताकि वो मोशन करे और इतना करने के बाद प्ले पे क्लिक कर दो प्ले पे क्लिक करोगे वो देखो रेडी की फर्क वो थोड़ा थोड़ा खींचे है ना वही बार बार आगे पीछे हो रहा है लग रहा है ना कि रेडी में फर्क है ठीक है ध्यान से देखोगे तब ठीक है तो ये कैसे बना है समझ में आया है देखो मैं इसको कर दे रहा हूं सेव कर दें फाइल और सेव एज हाँ वो दबा दें चलो मैंने इसको कर दिया सेव फॉर वेब कीजिए ताकि एनिमेशन दिखे सेव फॉर वेब जीआईएफ में ये सेव होगा और यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए लोकेशन बता दीजिए फाइल का नाम देके सेव कर सेव हो गया अब इसे क्लोज कीजिए क्लोज करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये 3 वाला इफेक्ट था डबल क्लिक कीजिए और ये फोटो ओपन हो जाएगा और ये बारिश वाला इफेक्ट हो जाएगा
फिर पता देख लो एक बार और नहीं बता दे फोटो साफ कर लो ओपन एनिमेशन का पैनल अभी मैं बंद कर देता सबसे पहला काम फोटो ओपन कर लो जो फोटो ओपन करना है आप ओपन कर लो चलो ऐसा फोटो बढ़िया अगर होता लगता उस पे डाउनलोड आप लोग करके बनाना इसीलिए तो मैं कहा कि कुछ बस फोटो प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर दे रहा हूँ चलो यही ले कंट्रोल जीरो फिट करो पहला काम नया आपको लेयर बनाना लेयर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यन कंट्रोल शिफ्ट यन करोगे देखो लेयर लेयर का जो भी नाम देना है नाम देके ओके कर लेयर बन गया अब इस लेयर पे हमें क्या करना है ब्लैक इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो फोरग्राउंड का कलर लेके जाना है इसमें क्या करोगे अल्ट डिलीट करोगे उस लेयर पे क्या लग गया फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो गया अब जाओगे दूसरा काम क्या है फिल्टर फिल्टर में जाने के बाद जाओगे कहाँ नॉइस नॉइस में जाने के बाद ऐड नॉइस वैल्यू कितना रहेगा 150 कम ज्यादा नहीं करना कम ज्यादा करोगे तो थोड़ा लगेगा नहीं कि वो रनिंग इफेक्ट है या ओके कर फिर दूसरा काम फिर फिल्टर में जाओ ब्लर में जाओ और इस बार कर दो गॉसियन और गॉसियन ब्लर की वैल्यू 0.5 वैल्यू फिक्स रहना चाहिए ओके कर दो तीसरा काम फिर फिल्टर ब्लर और इस बार कर दोगे मोशन ब्लर पे क्लिक करोगे एंगल रहेगा 60 और डिस्टेंस रहेगा 50 और यहाँ कर दोगे ओके ये भी लग गया और इतना लगाने के बाद अब क्या करोगे जाओगे यहाँ बड़ा छोटा इसे कर लो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसका साइज इसलिए बड़ा कर रहे हैं ताकि उसको आगे पीछे ड्रैग करना पड़ रहा और वो एडजस्टमेंट हो जाए इसलिए इसको बड़ा किया फिर ओके और जाओ यहाँ नॉर्मल और नॉर्मल की जगह क्या कर दो स्क्रीन जैसे स्क्रीन करोगे ये स्क्रीन इफेक्ट देगा और बाकी अब एनिमेशन लगा दो चले जाओ विंडो एनिमेशन और यहाँ पे डुप्लीकेट डुप्लीकेट पे क्लिक करो और यहाँ मूव टूल से थोड़ा सा इसे बस ड्रैग करो नीचे की तरफ ही कर दोगे ऐसे क्रॉस साइड रहेगा तो अच्छा लगेगा ठीक है और यहाँ आगे पीछे अपने हिसाब से डुप्लीकेट करके बस थोड़ा थोड़ा आगे पीछे आप कर देना है और प्ले पे क्लिक कर दो बस जैसे ही प्ले पे क्लिक करोगे रनिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा हाँ वो बीच में कटा रहता था नहीं कटे जाओ ठीक है तो ये समझ में आया स्टेप लिखवाना पड़ेगा चलो इसको बाकी सेव करना है तो आपको आता क्लिक कर दो और यहाँ सेव फॉर्मेट GIFE रहना चाहिए ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट फाइल का नाम देके सेव कर अब देखो ये बन चुका है रेनिंग इफेक्ट अब इस पे क्लिक करो और देखो बरसात होगी ठीक है बनाना जाके कस्टम सेट में।